सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ उठाएंगी रिया कुमारी, डुमरदगा की रिया कुमारी। तालियां हो सभी बेटियों के लिए, बेटियों की समृद्धि के लिए, बेटियों की खुशहाली के लिए। अगली लाभुक ईशा कुमारी पिरतौल, ईशा कुमारी पिरतौल। तालियां आपकी ओर से जरूर होती रहें हर बार। इसके बाद पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु सादर आग्रह बबीता कच्छप सेविका, पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पीरी टोली बरियातू की बबीता कच्छप सेविका। 5,000 और 2,500 क्रमशः इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अगली लाभुक चंचला देवी सहायिका, पूरे राज्य में 896 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बीच 33,06,000 और इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन पत्र प्रदान किया जाएगा। अंजू मिंज आरा नया टोली नामकुम की अंजू मिंज सेविका पद के लिए चयनित। तालियां हो आपकी तरफ से। रोजगार सृजन सरकार का लक्ष्य और ये पूरा कर रहा है। अगली लाभुक दो लाभुकों के बीच ये दूसरे लाभुक हैं सरस्वती उड़ाओ चुंद मांडर की। तालियां आपकी तरफ से। चयन पत्र प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हार्दिक धन्यवाद। हमारे सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और चयन के लिए चयनी पत्रिका प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवराजन इस वितरण समारोह में आपको लाभुक को प्रोत्साहन किया गया। इस समारोह में इसमें उपस्थित हमारा इस मंच पर मंत्री बेबी देवी जी, सांसद मावा माझी जी, डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, सचिव आरवा राजकमल जी, विभागीय सचिव मनोज कुमार जी, निदेशक समाज कल्याण शशि प्रसाद जी, जिला के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा जी, बरिया पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा जी, उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव जी और आज उपस्थित समारोह में हमारा बहन बेटिया पत्रकार साथी सभी को हमारे से सबसे पहले जोहार। आज ये सरकार की कार्यक्रम ये झारखंड प्रदेश ये जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। खेत खलियान भी है, खनिज संपदा भी है,
और भारत आजाद हो गए 700 साल बाद। आप सबों के बीच में यहाँ क्या सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था, आज का दिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बीच में जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है। अलग राज होके भी 24 साल है और आज हम लोग ये सरकार और 2019 का जनादेश हेमंत सोरेन का नेतृत्व में हुआ था। जनादेश मिलने के बाद सरकार बनाया, पूरा देश में कोरोना, राज्य में कोरोना, पूरा विश्व में कोरोना। 2 साल तक हम लोग काम करने के लिए मौका नहीं मिला, कोरोना कहीं काम किया हम लोग। अभी दूसरा अच्छा व्यवस्था क्या चिकित्सा, जो पिछले दिन डबल इंजीनियर सरकार इस झारखंड प्रदेश को विकास के रीढ़ से नहीं, विकास का सूची में नीचे श्रेणी में रख दिया। न यहाँ गांव की जनता से संपर्क किया, न यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व के ऊपर चिंता किया, न दलित के ऊपर में, न पिछड़ा वर्ग के ऊपर में, न यहाँ का अल्पसंख्यक के ऊपर में, सिर्फ नाम का विपक्ष ने अपना प्रचार प्रसार में अपना समय बिता दिया। सिर्फ नाम का डबल इंजन सरकार, इसलिए आज झारखंड अलग राज होने के बाद भी उन्हीं लोग का पहला सरकार भी था भाजपा का। कभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब गरबा के लिए ऐसा कोई काम न कोई योजना बनाने का काम किया। सिर्फ ठाकरे का काम किया झारखंड में, यहाँ का खनिज संपदा पर सिर्फ उनका नजर था। झारखंड की यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के प्रति उनको थोड़ा भी हमदर्द नहीं था। इसलिए आज 2019 जनादेश हेमंत बाबू का नेतृत्व में आज सरकार बना। आज 2 साल कोरोना के बाद, ये 2 साल में कि हम लोग आज देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है, और इसलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बूढ़ा माँ बाप से मिलते थे पेंशन के बाद,
पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति इस समय में ये हेमंत बाबू ने सोचा कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है, इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का एसटीएससी का महिला, ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। ये हम लोग महसूस किया, ये सरकार महसूस की कि आज का दिन में भी हमारा ये स्थिति है प्रदेश में। झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये जो 20 साल होने गया और भाजपा वाला भी उन लोग बहुत लंबा राज को चलाने का काम किया था, लेकिन यहाँ का जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया, आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। हर चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा 6 साल के बीच में आंगनबाड़ी, उसका किस तरह से हम लोग हर आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग सही हम लोग भजन हम लोग दे सके, ताकि वो बच्चा अपना आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए उत्साह बढ़े, परिवार का भी उत्साह बढ़े कि आज वहां जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उनको हर सुविधा खाने से लेके हर चीज उनको मौका मिले। यह पोषण हमारा इसमें भी बहुत सा हमारा कुपोषण की बात है, उसको कैसे करके हम लोग सही करेंगे। हमारा बहन बेटी ने बहुत मेहनत किया है, कैसे करके हम लोग उनको पौष्टिक आहार देंगे, वो सार्थक की आने वाला दिन ये कुपोषण का जो है वो चीज नहीं रहे। ये सरकार की इतना सोच है ताकि हमारा छोटा बच्चा किसी तरह का तकलीफ ना हो आने वाला समय, बड़ा हो कि उसका शरीर मजबूत बने, लेकिन उसका शुरुआत में ही उसको पुष्टि का आहार देना जरूरी है। ये सरकार का सोच है कि हम अपना एक संसार में, अपना सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था लाएंगे ताकि किसी दिन कुपोषण की बात नहीं आए। हमारा बच्चों, हमारा जो बच्चा बच्ची है उनको अच्छा पौष्टिक आहार शुरू से मिले, ताकि आने वाला समय, ताकि उनका किसी प्रकार का शरीर में कमजोरी नहीं आए, अच्छा शरीर बने, तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही आगे के अच्छा सोच भी कर सकते हैं, आगे के इस राज का काम में लग सकता है। ये सारी सोच करके इस तरह का हम लोग हर जगह सरकार की, समाज के बीच में इस तरह का केंद्र खोल करके सहायता, आज जो हम लोग विमोचन किया किताब, ये समझने के लिए
सीखने के लिए है। उसमें पढ़ने से उसमें एक शिक्षा मिलेगी ताकि समाज और अपना परिवार संसार गांव के हमारा सामाजिक व्यवस्था के बीच में हर परिवार को उसको शिक्षा मिलने से एक दिन कुपोषण से हमारा बच्चों मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसी तरह ताकि हम लोग पहले दुए बिटिया को ही सावित्री बाई फूलों समृद्धि योजना का लाभ मिलता था। ये सरकार हमारे सरकार ने सोच लिया है जितना ही जिसका परिवार में दो या तीन या चार बच्ची रहे सबको सावित्री बाई फूलों की योजना लाभ मिलेगा। इसलिए आज उसका भी हम लोग आज शुरुआत किया है। अब पूरा राज्य में 6.5 लाख से भी ज्यादा सावित्री बाई फूलों योजना से हमारा जो बच्ची है उसको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है ताकि किसी तरह के उसका पढ़ाई में कमी नहीं हो। जब तक हम लोग समाज में बेटिया अच्छा बहन बेटी को अच्छा सुविधा जितना देंगे उतना समाज मजबूत होगा, समाज आगे की ओर किसी प्रकार का भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं होगी। यही तो सोच है सरकार की। इसी तरह हर तरह की आज जो योजना आज इस राज्य में 55,000 सखी मंडल भी है। इस सरकार ने 8,000 से भी ज्यादा 8,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें सखी मंडल को अपना पैर से खड़ा होने के लिए हर महिला समूह को सहायता देने के लिए काम किया है। कभी इस तरह से कोई पिछले सरकार ने नहीं सोचा था, सिर्फ कर्म पूरा करके डबल इंजन सरकार काम करते थे। ये सरकार यहाँ का हर हकीकत को जानने के बाद योजना बनाने का काम किया ताकि आने वाला दिन हमारा इस झारखंड प्रदेश इतना धनी प्रदेश है, इस धनी प्रदेश में भी आज इतना आर्थिक का स्थिति कमजोर है, शिक्षा के व्यवस्था गांव में कमजोर है, हमारा सामाजिक व्यवस्था बिखरते जा रहा। इसलिए ये सरकार सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था और हर परिवार को शिक्षा से बांधने का काम कर रही है ताकि आने वाला दिन झारखंड ये झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी यहाँ का मूलवासी किसी तरह का कमी करना महसूस हो। ये सोच के साथ झारखंड को सवारने लिए हम लोग ये सब योजना लाने का काम किया। विभाग का सचिव आप लोग को एक एक लाइन बता दिया कि हम लोग क्या क्या करने जा रहा है। ये सरकार की ओर सरकार के उनका सोच आप लोगों का बीच में रख दिया। इसीलिए आज जो भी ऑफिस से उपस्थित है हमारा बहन बेटिया जो आंगनबाड़ी सेविका रूप में है, कोई हर तरह के काम में आप लोग जुड़े हुए हमारा बहन बेटिया, हम लोग आप लोग का ऊपर चिंता है, आप लोग का सारा मेहनत का ऊपर भी चिंता है सरकार को। जरूर आप लोगों को चिंता को हम लोग एक दिन दूर करेंगे ताकि झारखंड को संवारना है तो हमने छोटा बच्चों से हम लोग उसको मजबूत करना होगा, तभी समाज मजबूत, तभी आर्थिक मजबूत का सोच सकते हैं, तभी शिक्षा निक्ष व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। ये है दुनिया का इस व्यवस्था के अंदर में, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज बड़ा हर तरह की
हमारा सरकार की सोच है कि रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीज इस मानुष जीवन में बड़ा जरूरत है। इसीलिए हर तरह के जितना ही गांव में हम लोग आपकी योजना आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हर चीज का जानने का प्रयास किया। हम लोग किस योजना को किस धरातल पर उतारेंगे, किस क्षेत्र में कैसे योजना, किस गांव में कैसे योजना होने से वहां का किसान यहां का हमारा समाज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसी तरह से ही ये सोचना इस सरकार की सोच है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप सभी को जो हर समय हमने सरकार की कार्यक्रम को योजना को हमने बताने का काम किया है और आज भी हम आप सबों के बीच में संक्षेप में हम बता रहा है कि यह सरकार रोटी कपड़ा मकान से लेके शिक्षा से लेके कुपोषण से बच्चा को बचाना है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बढ़िया से और सुंदर बढ़िया चलाना है, जो 6000 कितना आंगनबाड़ी केंद्र है हर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उसी तरह से हम लोग ताकि हर सुविधा हम लोग दे के जो मकसद है उसको पूरा करना है। इसलिए सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारा बहन बेटिया को हम ये सरकार झारखंड के आदिवासी मूलवासी यहाँ का दलित यहाँ का पिछड़ा वर्ग यहाँ का बेघर सभी के लिए है। एक दिन आने वाला दिन रोटी कपड़ा मकान हर किसी को मिलेगा और हर सुविधा यहाँ का गरीब चाहे यहाँ का मजदूर यहाँ से चाहे असंगठित मजदूर ये सरकार हर गरीब परिवार के साथ गरीब उत्थान करने के लिए यहाँ का आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए ये सरकार हर समय काम करते रहेगी ताकि आने वाला दिन झारखंड को ऐसा निर्माण करेंगे जो हमारा पूर्वजों ने जो सोच करके झारखंड अलग राज किया है और आजाद भारत आजाद में भी हमारे यहाँ हमारा पूर्वजों ने बहुत सा बलिदान दिया है। यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारा बहुत हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। इसलिए इस धरती में यहाँ का आदिवासी यहाँ का मूलवासी का भाषा संस्कृति से लेके उनका परंपरा हर चीज हम लोग सुरक्षित करेंगे। एक दिन झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करेंगे और यहाँ का सभी समुदाय को मान सम्मान के साथ और उनका आर्थिक तंगी ना हो, उनका शैक्षणिक व्यवस्था से दूरी नहीं हो, उनका सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए, ये सरकार उसको लेके मजबूती के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार ताली के साथ